आप लोगों का आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस से हो जाए। दोस्तों आज इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ इनपुट डिवाइस के बारे में, इनपुट क्या होता है। अगर ये आपको जानना है तो इसके पहले वाली वीडियो आप जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंटिंग डिवाइस जो होती है उसका वर्क क्या होता है? तो पॉइंटिंग डिवाइस जो होती है वो कर्सर की पोजीशन को बताती है। तो पॉइंटिंग डिवाइस हमें बताती है कि हमारा कर्सर कहाँ पर है। साथ ही पॉइंटिंग डिवाइस का यूज कर्सर को मूव करने के लिए भी किया जाता है। तो पॉइंटिंग डिवाइस में जो है सबसे ज्यादा यूज करने वाली डिवाइस है वो है माउस। और माउस के बारे में जान लेते हैं। एक बात और आप जान लीजिए, जो पॉइंटिंग डिवाइस होती है या फिर जो इनपुट डिवाइस होती है वो यूएसबी पोर्ट के द्वारा कंप्यूटर से कनेक्ट की जाती है, अलग से कनेक्ट की जाती है, ये इनबिल्ट नहीं होती है। तो पॉइंटिंग डिवाइस जो होती है वो यूएसबी केबल के द्वारा कंप्यूटर से कनेक्ट की जाती है अलग से, जबकि जो लैपटॉप होते हैं उसमें जो माउस होता है इनबिल्ट होता है, और जो डेस्कटॉप वगैरह होते हैं उनके अंदर जो माउस होता है वो अलग से कनेक्ट किया जाता है। पुराने जो माउस होते थे उनमें एक बॉल यूज होती थी। माउस के अंदर नीचे की तरफ एक बॉल लगी हुई होती थी। ये बॉल जो है मूव करने का कार्य करती थी। इस बॉल के द्वारा ही जो हमारा माउस होता है उसे हम स्क्रॉल कर पाते थे। जबकि आजकल जो है ऑप्टिकल माउस यूज किए जा रहे हैं। इसमें बॉल नहीं होती, बॉल की जगह सेंसर होते हैं, लाइट होती है, उसके द्वारा जो है कर्सर की स्थिति का भी पता चलता है, साथ ही ये मूवमेंट भी करती है। तो आजकल जो है ऑप्टिकल माउस यूज किए जाते हैं और इसमें बॉल की जगह क्या होता है सेंसर और लाइट लगी हुई होती है, उसकी सहायता से हम माउस को ऑपरेट करते हैं। और साथ ही ये जो सेंसर और लाइट होती है ये कंप्यूटर को संचालित करने के लिए यूज की जाती है। तो माउस के अंदर जो सेंसर होता है, लाइट होती है, उसके अलावा स्क्रॉल व्हील्स भी होती है, और ये क्या कार्य करती है GUI के साथ कार्य करने में यूजफुल होती है। GUI का जो फुल फॉर्म है वो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI का पूरा जो फुल फॉर्म है वो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और जो स्क्रॉल व्हील्स होती है वो क्या कार्य करती है GUI के साथ कार्य करने में सहयोग करती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं टच पैड के बारे में। टच पैड जो है लैपटॉप में दिए जाते हैं, इसका उपयोग बेसिकली माउस को यूज करने के लिए किया जाता है। टच पैड जो है लैपटॉप के अंदर इस तरह से दिए जाते हैं। तो जो लैपटॉप होते हैं उनमें टच पैड दिए हुए होते हैं और ये कर्सर को मूव करने के लिए काम में लिए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ट्रैक पॉइंट के बारे में। ट्रैक पॉइंट जो है IBM थिंक पैड होता है और इसमें टच पैड के लिए जगह नहीं होती, मतलब टच पैड जो है उसके लिए जगह नहीं दी गई है। उसके जगह जो है आजकल जो है ट्रैक पॉइंट यूज किया जा रहा है। ट्रैक पॉइंट क्या होता है IBM थिंक पैड होता है, इसमें टच पैड के लिए जगह नहीं होती और ये जो है जॉयस्टिक की तरह यूज किया जाता है। इसका यूज भी कर्सर के मूवमेंट के लिए किया जाता है। कुछ कंप्यूटर जैसे कि मैकिंटोश, पावरबुक और लैपटॉप, इसके अंदर ट्रैक बॉल इनबिल्ट होता है। ट्रैक बॉल का क्या यूज किया जाता है ये हम जान चुके हैं। और ट्रैक बॉल कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, मैकिंटोश, पावरबुक और लैपटॉप, इसके अंदर जो ट्रैक बॉल होता है वो। तो ट्रैक बॉल का डेवलपमेंट जो है वो 1949 में दो कनाडाई जो इंजीनियर थे उनके द्वारा किया गया था। फिर से देख लीजिए 1949 में दो कनाडाई इंजीनियर्स थे, इन्होंने ट्रैक बॉल का निर्माण किया। यहाँ पर कुछ टाइप्स दिए गए हैं। जो ट्रैक बॉल है वो टू टाइप्स के होते हैं, जैसे कि सीरियल और समानांतर। ये दो ट्रैक बॉल जो है आजकल यूज किए जाते हैं। जॉयस्टिक जो है गेम्स वगैरह खेलने में यूज की जाती है और इसका यूज भी एक पॉइंटिंग डिवाइस की तरह भी किया जाता है। तो जॉयस्टिक जो है एक पॉइंटिंग डिवाइस की तरह यूज किया जाता है और ये भी मॉनिटर के ऊपर कर्सर की स्थिति को दर्शाता है। तो जान लेते हैं ग्राफिक्स टैबलेट के बारे में। ग्राफिक्स टैबलेट जो है एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक राइटिंग के लिए यूज किया जाने वाला डिवाइस है। इसके अंदर एक स्पेशल पैड होता है जो कि इसके अंदर होता है, इसके साथ में कनेक्ट
कनेक्ट किया हुआ होता है। और ये क्या करता है, हम इसके द्वारा ग्राफिकल इमेज या कोई राइटिंग वगैरह इसमें लिख सकते हैं। ये कार्य कैसे करता है ये भी जान लेते हैं। तो ग्राफिकल इमेज बनाने के लिए पेन जो है प्रेशर के प्रति सेंसिटिव होता है, इसी वजह से जब भी प्रेशर पड़ता है पेन के ऊपर तो अलग अलग स्ट्रोक वाले ब्रश दिखाई देते हैं, अलग अलग स्ट्रोक वाले ब्रश आ जाते हैं और उससे अलग अलग लाइनें ड्रॉ होती है। तो बात कर लेते हैं स्कैनर के बारे में, स्कैनर वर्क कैसे करता है ये जान लेते हैं। स्कैनर क्या करता है, प्रिंटेड पेज का डिजिटली करेक्ट करता है और उस इमेज को कंप्यूटर में सेव कर देता है। ये करता कैसे है, ये लेजर टेक्निक का यूज करके प्रिंटेड पेज को डिजिटल फॉर्मेट में चेंज कर देता है। फिर से देख लीजिए, लेजर टेक्निक जो है इसमें यूज की जाती है और ये क्या करता है, प्रिंटेड पेपर जो होता है, जो प्रिंटेड पेपर होता है उसे किसमें चेंज कर देता है, डिजिटल फॉर्मेट में। इसके द्वारा हम जो हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं उन्हें हम कंप्यूटर के अंदर सेव करके रख सकते हैं। इसके अलावा और भी कोई इंपॉर्टेंट पेपर जो हमारे को बहुत जरूरी होते हैं उन्हें भी कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर इनका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट जो लास्ट इनपुट डिवाइस है उसके बारे में बात कर लेते हैं, मीडी। मीडी का जो फुल फॉर्म है वो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। फिर से सुन लीजिए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। इसका यूज कैसे किया जाता है, इसको कीबोर्ड के द्वारा जोड़ा जाता है और इस जो संगीत का जो संगीत को सुनाता है उस संगीत को कंप्यूटर के अंदर स्टोर किया जाता है और उस संगीत को पुनः सुना जा सकता है। फिर से सुन लीजिए, जो कीबोर्ड होता है कीबोर्ड को के साथ मीडी को जोड़ा जाता है और ये मीडी जो है संगीत को कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर लेता है। मतलब ये इनपुट डिवाइस है, इसके द्वारा जो संगीत है वो कंप्यूटर में डाला जाता है और इस संगीत को पुनः भी सुना जा सकता है। तो मीडी का यूज इनपुट करने के लिए किया जाता है। ये सारी ही इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ा है और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये अच्छे से रिवाइज हो जाएगी, अच्छे से लर्न हो जाएगी। इसके साथ ही आज का हमारा समय यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आप लोगों के लिए ये वीडियो यूजफुल रहेगी। मिलेंगे फिर से एक और इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इसी तरह से बने रहिए आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस की पूजा के साथ, जिसका फुल मंथ है ऑलवेज सक्सेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।